हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कला किट 2023-24 के दिशा निर्देशों को लेकर जो रास्ता है स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी कर दिए गए हैं। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो नई शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यालय में बच्चों को दिए जाएंगे गतिविधि आधारित और सृजनात्मक कार्य को बढ़ावा देने के लिए कला किट, ताकि बच्चे आनंददायी शिक्षक और गतिविधि कर सकें, चित्रात्मक सृजनात्मक अभिव्यक्ति व्यक्त कर सके। कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोचक आनंददायी गतिविधि बनाने के लिए कला किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि शाला दर्पण पोर्टल के नामांकन के अनुसार कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उपयुक्तता के आधार पर विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास प्रबंधन समिति, SMC SDMC के माध्यम से जो है परचेस करने के लिए कला किट की जो सामग्री दी गई है वो परचेस करने की राशि दी जाएगी। अगली बार यानी गत वर्ष जो बात करें तो कला किट सरकार द्वारा दिए गए थे, लेकिन इस वर्ष जो प्रावधान बताया गया है कला किट का कि SMC SDMC के माध्यम से कला किट को खरीदना है, यानी राशि आएगी और इसके लिए सामग्री जो है इस प्रकार रहेगी। कक्षा अनुसार प्रति विद्यार्थी यानी एक एक चीज़ मिलेगी, जैसे स्क्रैप बुक है 20 से 25 पेज वाली है, कलरिंग बुक है, कक्षा अनुसार प्रति विद्यार्थी एक क्रेयॉन्स है 12 कलर के, पेंसिल कलर है, पेंसिल है, शॉर्पनर, रबड़ स्टेंसिल है, ये प्रति विद्यार्थी एक एक होंगे, और रबड़ प्रति विद्यार्थी 2 है, पेंसिल 5 है प्रति विद्यार्थी, और पेंसिल कलर का एक सेट प्रति विद्यार्थी, क्रेयॉन्स जो है एक सेट है। तो इस प्रकार से ये सामग्री प्रत्येक विद्यार्थी को देनी है। सामग्री की जो उक्त अनुसार राशि बताई गई है कि क्रय की गई सामग्री विद्यालय के स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट कर उपयोग ली जाएगी। क्रय कला किट के अंतर्गत क्रय की गई सामग्री उपयोग विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इसके लिए विषय अध्यापक विग्रह कार्य के समय ऐसी गतिविधियां प्रस्तावित करें जिससे अधिक से अधिक कला किट का उपयोग हो सके। शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार जिलेवार नामांकन माह मार्च 2024 के अनुसार विशिष्ट प्रसलग्न है, यानी अभी जो मार्च 2024 चल रहा है नामांकन, इसके अनुसार ही आपको खरीद करनी, उसके अनुसार ही कला किट लेने हैं। कक्षा 1 से 5 में अध्ययन करने वाले बालक बालिकाओं के नामांकन के आधार पर प्रति बालक बालिका बालक और बालिका 100 रुपये का प्रावधान रखा गया है, स्वीकृति है, और इसके लिए विद्यार्थियों के लक्ष्य के अनुसार SNA के माध्यम से राशि का उपयोग की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। कला किट की राशि की स्वीकृति प्राप्त होने पर अविलंब ब्लॉक के माध्यम से विद्यालय को कला किट राशि के उपयोग की स्वीकृति जारी की जाए। विद्यालय को कला किट राशि की स्वीकृति प्राप्त होते ही SMC SDM में प्रस्ताव लेकर निर्देशानुसार नियमानुसार इसकी सामग्री की क्रय की जानी है। कला किट की राशि की स्वीकृति अनुसार सामग्री क्रय व कक्षा शिक्षकों के उपयोग के लिए विभिन्न दायित्वों का निर्वहन भी करना है। जिला स्तर पर अलग दायित्व है, ब्लॉक स्तर पर दायित्व है, विभिन्न अधिकारियों के PO संस्था प्रधान कार्य के दायित्व है। विद्यार्थियों को कला किट का वितरण करना, प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचना ये जरूरी है। इसके साथ ही शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य भी है कि प्रत्येक विद्यार्थी को कला किट का आवश्यकता अनुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाए, गृह कार्य दिया जाए, विद्यार्थियों के सृजनात्मक कार्य को कक्षा कक्ष, प्रार्थना सभा, बाल सभा के मंच पर प्रदर्शित किया जाए, सृजनात्मक कार्य को पोर्टफोलियो फाइल में भी संधारित किया जाए, विषय अध्यापक द्वारा कला किट सामग्री उपयोग करते हुए अधिगम को रुचिकर बनाना, ये सारे कार्य करने हैं। इसके साथ ही विभागों से भी अपेक्षा है कि सृजनात्मक कार्य को प्रेरित करने, विद्यालय में शिक्षक संस्थापक के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखें। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट जो अपडेट है कला किट को लेकर वो ये है कि उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रेषित करना है ब्लॉक कार्यालय और जो आगे फॉरवर्ड करेंगे। इसके साथ ही कला किट राशि का उपयोग जो सेशन 2023-24 का उपयोग करके 28 मार्च तक ही इसके व्यय का इंदिराज प्रबंध पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें। 25 मार्च 2023 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जो है प्रकोष्ठ गुणवत्ता प्रकोष्ठ स्कूल जयपुर को प्रसिद्ध करें। प्रबंध पोर्टल पर एंट्री के साथ वेंडर को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। कला किट का वितरण स्कूल शिक्षा संस्कृत शिक्षा महावाड़ी में वर्तमान सत्र नामांकित 1 से 5 के विद्यार्थियों को किया जाना है। ये कला किट को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश है और ये उपयोगिता प्रमाण का भी एक प्रारूप है। उपयोगिता प्रमाण पत्र समग्र शिक्षा जिला स्तर पर, विद्यालय स्तर पर उपयोगिता प्रमाण पत्र है। तो ये कला किट को लेकर दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं विद्यालय स्तर पर। इसके साथ ही एक और अपडेट की बात करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे वित्त विभाग राजस्थान सरकार का महत्वपूर्ण ऑर्डर 13 मार्च 2024 का, जो समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को लेकर है। तो समस्त अधिकारी कर्मचारियों पर दिनांक 1 मई 1995 समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। इसके लिए प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी राज्य कर्मचारी हेतु प्रतिवर्ष अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम राशि की कटौती की जाती है। इसी क्रम में पॉलिसी वर्ष 2024-25 दिनांक 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की अवधि के लिए दुर्घटना बीमा अधिकारी कर्मचारी को निम्नलिखित तालिका के अनुसार एक श्रेणी का चयन यानी विकल्प उपलब्ध है वो चयन करके काटा जाएगा। अब इसमें जो आप प्रीमियम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। कार्मिक के वेतन से प्रीमियम की कटौती होती है। 10 लाख का बीमा कवर करना चाहते हैं आप तो 700 रुपये प्रीमियम कटौती होगी।
और जैसे कि बताया गया है कि अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम की राशि कटौती जाएगी, तो अप्रैल महीने के वेतन से कटेगी और ये जो लागू होगा बीमा कवर रहेगा 1 मई से 30 अप्रैल तक का, 30 अप्रैल 2025 तक का रहेगा। 700 रुपये में 10 लाख का बीमा कवर होगा, अगर 1400 रुपये कटेंगे तो 20 लाख का कवर है, 2100 रुपये कटेंगे तो 30 लाख का कवर है। इसके साथ ही कुछ नियम कायदे भी है, जैसे कि अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी कर्मचारी, राज्य सरकार के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के माह अप्रैल देव मई 2024 के वेतन से उपयुक्त तालिका में जो भी बीमा धन है वो कार्मिक दर चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी। तो अप्रैल दे जो मई वेतन होता है उससे काटा जाएगा। समस्त DDO उनके क्षेत्र अधिकार में कार्य समस्त अधिकारी कर्मचारी के वेतन से पे मैनेजर पोर्टल है, PRI यानी प्री पे मैनेजर है, SIPF पोर्टल है, उनके माध्यम से कार्मिकों का चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती करेंगे। प्रतिनियुक्त पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारियों की भी कटौती राशि SIPF पोर्टल पर 3.0 के माध्यम से साधारण बीमा निधि मध्य में जमा कराई जाएगी। समस्त हरियाणा वितरण अधिकारी DDO क्षेत्र अधिकार में आने वाले अधिकारी कर्मचारियों के SIPF पोर्टल पर 3.0 प्रस्ताव पत्र की पूर्ति करवाई जाएगी और अपनी तालिका में से किसी एक श्रेणी का चयन करवाया जाएगा। यदि कोई कार्मिक अनुसार किसी भी विकल्प का चयन नहीं कर, यदि कोई प्रीमियम कटौती नहीं करवाना चाहता है तो हरियाणा वितरण अधिकारी यानी DDO द्वारा उसकी प्रीमियम कटौती नहीं की जाएगी। ये एक बड़ा अपडेट हो सकता है जो पहली बार किया गया इस बार। यदि कोई कार्मिक किसी भी विकल्प का चयन नहीं करना चाहता है, कोई भी प्रीमियम जो है नहीं कटाना चाहता, तो अपने DDO को सूचित करें, कोई प्रीमियम कटौती नहीं करवाना चाहता है तो हरियाणा वितरण अधिकारी यानी DDO द्वारा उसकी प्रीमियम कटौती नहीं की जाएगी। जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है, वर्तमान में ना तो मनोनय परिवर्तन करना है, यानी कोई नॉमिनी डिटेल आपको परिवर्तन नहीं करना है, ना ही श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है, उन्हें प्रस्ताव पत्र भरना भी आवश्यक नहीं है। ये भी एक बड़ी अपडेट है कि जिन कार्मिकों को द्वारा गत वर्ष SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है, जिन्होंने जो प्रीमियम लिया था, अब ना तो उसमें किसी प्रकार के मनोनय का परिवर्तन है, ना ही किसी श्रेणी में विकल्प में कोई परिवर्तन है, तो प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में हरियाणा वितरण अधिकारी कार्मिक के द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम की कटौती कर लेंगे, सुनिश्चित करेंगे। कार्मिक के द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती करने का पूर्ण दायित्व DDO का रहेगा, यानी हरियाणा वितरण अधिकारी का होगा। किसी भी कार्मिक का एक बार विकल्प प्रस्तुत किए जाने पर हरियाणा वितरण अधिकारी द्वारा उसके अनुसार प्रीमियम कटौती कर लिए जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं करवाया जा सकेगा, यानी पूरे वर्ष वही रहेगा प्रीमियम। इसी प्रकार कार्मिकों के द्वारा SIPF पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम कटौती भी एक बार ही जमा कराई जाएगी। उनके द्वारा नियमित वर्ष में अधिक बीमा धन है तो बाद में प्रीमियम की अंतरराशि की कटौती नहीं कराई जाएगी। उसके साथ ही दिनांक 1 मई 2024 उसके पश्चात राजस्व में नियुक्त कार्मिक विभागीय अधिसूचना के अनुसार नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनी पर भी योजना लागू होगी। प्रोबेशन वालों के भी लागू है, वो श्रेणी 1 से 3 में से कोई भी विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से ही वर्ष 2024 जो 25 वर्ष रहेगा उसके लिए दिए प्रीमियम की राशि IRDA के नियमानुसार प्रोरेटा जो भी है उसके आधार पर काटी जाएगी। समस्त DDO जो DDO यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य कर्मचारियों अधिकारियों के माह अप्रैल दे मई 2024 के वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है, और जिन अधिकारी कर्मचारी का माह अप्रैल दे मई 2024 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी चयनित विकल्प के अनुसार व्यक्तिगत स्तर पर प्रीमियम राशि SIPF पोर्टल 3.0 के माध्यम से 31 मई 2024 से पूर्व बीमा धन में जमा कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी कर्मचारियों जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता उन पर लागू नहीं होगी, और बाकी दिशा निर्देश विस्तृत है वो राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग राजस्थान जयपुर और समस्त हरियाणा वितरण अधिकारी DDO के मार्गदर्शन के लिए एक परिपत्र जारी करा जाना सुनिश्चित करें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी के लिए।